इसके साथ कुछ है चटनी। इसको लगता है ये बड़ा सा स्पाइडर है। आई नो ये ब्लॉग ज्यादा कुछ खास नहीं था। बेचारा उसको देखने के लिए आता है और फिर भाग जाता है डर से। हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज है थर्सडे मॉर्निंग और फाइनली गाइज एक ऐसा दिन है जिसे मेरे घर के पास से कोई कंस्ट्रक्शन साउंड नहीं आ रहा है। तो इवनली अ हैप्पी मॉर्निंग टू मी ऑल्सो। और आज वेदर भी बहुत अच्छा है, सनी, ब्राइट सनी वेदर। कल रात को बहुत बारिश हुई थी, बहुत। तो आज सुबह से अच्छे से सन निकला है, बट आज मुझे कपड़े नहीं धुलने हैं तो सन ऐसे इंजॉय करते हैं। वैसे अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं, आश्रित अपना मॉर्निंग लैप ले रहा है और निमी का पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो चुका है। आश्रित उठ जाने से दोनों को नहाने ले चलूंगी। और थोड़ा बता देती हूँ हमने ब्रेकफास्ट में क्या किया था। ब्रेकफास्ट में था आज ये देखो डोसा मैंने बनाया, ये मेरा हाथ। दोनों चटनी बनाई है, ये टमाटर की और ये नारियल की है। तो देखो हम खा रहे हैं चटनी से, बच्चे खा रहे हैं चीनी से। डोसा विद दो तरह का चटनी, टमाटर की चटनी और आगे वाली मेरी नारियल की चटनी बाकी थी, तो उसी से हमने ब्रेकफास्ट किया। और मेरा लंच भी बन चुका है गाइस। लंच में आज साग बना है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और साथ में बन रहा है करेले की भाजी और फिश की करी। तो बस यही हमारा दिन एंड ऑन दिस नोट गाइस, लेट्स गो विद द डे। संदीप और निमी से मिलाती हूँ, बट फिलहाल इस बॉल को अप्रिशिएट करते हैं। इन्हीं में जब छोटी थी तब का बॉल है और इसके भी चिथड़े उड़ चुके हैं, हर जगह से कॉटन निकल रहा है। तो मुझे इस बॉल को आज फिक्स करना है सीव करके। उस दिन निमी संदीप ने खेलने जाके ना लिटरली फिश फ्राई हो रहा था, उस कढ़ाई में ये बॉल गिर गया था। तो मैंने धुल के 3 दिन से आस पास सूख रहा है, तो आज इसको ले जाके मेंट करूँगी। फिलहाल तो अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, संदीप निमी को कोई कॉइन कलेक्शन गेम डाउनलोड करके दिया है। निमी कोई एडुकेशन गेम खेल रही थी, मुझे भी गेम का नाम याद नहीं है, बट शी गॉट बोर्ड ऑफ, शी वांट टू कलेक्ट कॉइन्स। तो अभी एक नया गेम डाउनलोड करना चल रहा है। और मैं एक अद्भुत चीज़ दिखाती हूँ आपको जो संदीप ने अपने कम्फर्ट के लिए ली। दिस आश्रित इससे इतना डरता है गाइस, इसको लगता है ये बड़ा सा स्पाइडर है। जब ये मूव करता है, मतलब रोटेट करता है, बेचारा उसको देखने के लिए आता है और फिर भाग जाता है डर से। एंड निमी का हावड़ा ब्रिज, निमी हावड़ा ब्रिज। ऐशोना मेरा मिठाई खत्म हो रहा है। तो गाइज अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के, बच्चों को मैंने खाने दे दिया, आशा करें फिर खाना फिनिश हो गया। अब मैं और संदीप खाएंगे, अब वो जल्दी से लंच दिखा देती हूँ। लंच में है फिश करी, थोड़ा पालंग साग, कद्दू और बैगन की सब्जी और यहाँ है करेला की फ्राई। तो अभी लंच कर लेंगे जल्दी जल्दी से और फिर क्या करेंगे पता नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा खेलेंगे क्योंकि बच्चे विल बी बोर्ड और फिर थोड़ा थक जाएंगे तो अच्छे से सोने जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी लंच निकाल लेती हूँ। संदीप नहाने के लिए गया है और ये रहा बच्चा। हाय आशो, अमेजिंग थिंग, हाउ इज द फिश करी? यम्मी। निमी का फिश या अंडा रहने से उसका खाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। जिस दिन वेज मील होता है उस दिन निमी को खिलाना इतना मुश्किल होता है यार। तो गाइस हमारा लंच हो चुका है और अभी सभी बैठ के टीवी देख रहे हैं। टीवी में क्या चल रहा है दिखा दो, कार्टून कुंफ पांडा। जबरदस्ती हमको वही देखना पड़ता है। बाबा का मोबाइल मामा के पास है, मेरा मोबाइल बाबा के पास है। उसने किसी को कॉल कर दिया ना, क्या किया सुना? और ये देखो ये बेबी बन गया है, हवा गुड़ी फुल क्रॉलिंग। अच्छा बेबी, हॉप लिटिल बानी, हॉप हॉप हॉप, हॉप लिटिल बानी, हॉप हॉप हॉप। नहीं चॉकलेट खा रहे हैं अभी, क्या हॉप हॉप करोगे? हॉप करके खॉप करके खा लेगा तो। हॉची, आशु का बनी गिर गया। आशु दैट्स नॉट हॉच, दैट्स बनी। एंड आई हैव फॉर्सी। तो गाइस बच्चे दोनों सो के उठ चुके हैं अपने आफ्टरनून नैप से और ये सेलिब्रेशन हो रहा है वो वाटरमेलन के लिए।
आश्रित एनी मिला वाटरमेलन है ना। चलो मम्मा विल कट इट एंड गिव। हाथो थोड़ा आशु। मम्मा विल कट इट एंड गिव आशु। आशु थोड़ा हाथो। मम्मा विल कट एंड गिव। अरे मैं इन दोनों को सीड निकाल के देती हूँ, नहीं तो आश्रित फॉर श्योर सीड खा जाएगा। ओ मंकी, कहाँ से चुराया बाबा? कहाँ से मिला आपको? हाँ बनाना कहाँ से मिला? बनाना कहाँ है? यहाँ से चोरी किया? और ये जो ये नीचे जो गिरा दिया उसको उठाया नहीं? उसको उठाओ, उस ढक्कन को उठाओ आश्रित। प्लान क्या है? शकरकंद का रोटी बनायो? नहीं बनाई हूँ, बनाऊंगी, बस बॉईल किया है। क्या तुम नाश्ता करोगे? शकरकंद का रोटी। क्या चाय पियोगे? सुना अदरक वाली या सौंफ वाली? बाप रे कितना ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तुम केसर वाली बना, मसाला चाय। तो अदरक वाली बना दिया तुमने? या इनफैक्ट तुम कुछ भी चुनते, मैं अदरक वाली बनाता। तो क्यों ऑप्शन दे रहे थे? Just to be more fancy and considerate of you also. तुम्हारा भी कुछ This is how you consider. लोलो एक्टिंग मारो, एक्टिंग मारो चाय में। वाह वाह वाह। कॉफी पी आके इधर घुस जाते हैं यार। इस खोपचे में घुस के दोनों बैठे रहते हैं चुपचाप, कोई आवाज नहीं। क्यों बैठे हो यहाँ पे? मुझे ब्लैक और तुमको बुला रहा है सुना, उतना सा स्पेस में तुम घुस जाओगे। मामा को बुलाओ, मामा विल गो एंड सीट। हाँ क्योंकि पापा तो घुस नहीं सकते। तो गाइस मैं अभी शकरकंद या लाल आलू जिसे कहते हैं उसकी रोटी बनाऊंगी। जनरली दो तरीके से बनाते हैं, स्टफिंग मतलब आलू की स्टफिंग अलग बना के फिर आटा के अंदर फिलिंग दे के फिर बनाते हैं, बट मैं आज बनाऊंगी लाल आलू को आटा के साथ एक साथ गूंद के मसाले डाल के फिर पराठे की तरह इनको फ्राई कर लूंगी। भाजा निकल जाता है, भाजा फ्राई करने की जगह भाजा निकल जाता है। लो अब चलो होगा चारों एंगल से। तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं तो खड़े होकर काम कर रही हूँ। मेहनत तो मेरा कैमरा मैन कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना स्टैंड में लगाओ। मैं जा रहा हूँ सीरियसली। चलो बाय बाय। खाली ये सूखा पराठा तो नहीं खिलाओगे? इसके साथ कुछ है? चटनी। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं लिया था और इसलिए आज सुबह एंडिंग कर रही हूँ। मन अच्छा नहीं था यार, ऐसे ऐसे न्यूज़ मिल रहे थे कि दिल पूरा बैठ गया था, क्या करें क्या नहीं करें। और यू नो जब ऐसे सिचुएशन आता है तो यू स्टार्ट पैनिकिंग, तो कुछ ऐसा हो रहा था हमारे साथ। कल हमारे सोसाइटी में एक भले इंसान एक्सपायर कर गए कोविड से, ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 4-5 डेज, बट सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको। तो वो न्यूज़ मिला एक आज सुबह, फिर एक न्यूज़ मिला एक रिलेटिव ऑल्सो आवर वन रिलेटिव एक्सपायर्ड ऑन संदीप साइड ड्यू टू कोविड। तो पहले वी यूज टू गेट दिस केसेस यार, इट वॉज स्केरी, इट्स स्टिल स्केरी, बट इतना पर्सनल इंटीमेट रिलेशन नहीं था। और हमारे सोसाइटी का जो केस है ना, उसका एक बेटा है जो जब मैं पढ़ाती थी स्कूल में, ही यूज टू स्टडी इन माई क्लास, तो आई नो दैट फैमिली
एंड आई हैव सीन दैट बॉन्ड ऑफ फादर और दैट चाइल्ड. अभी उसके फादर एक्सपायर कर गए हैं एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग यार व्हाट्स देयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ विल बी. पता नहीं ये सिचुएशन और कहाँ ले जाएगा, कितने लोग जाएंगे ऐसे और वेयर विल बी एंड अप यार. तो कल से यही सब चल रहा था दिमाग में, तो आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी थिंग. तो इसलिए सोचा नेक्स्ट दिन सुबह अच्छे मूड में लेती हूँ. बट सुबह सुबह फिर से एक न्यूज़ मिल गई. होपफुली गॉड गिव स्ट्रेंथ टू एवरीबडी एंड वी ऑल ओवरकम ऑल दिस फियर्स और ये सब सिचुएशन से जल्दी अच्छे से बाहर निकले. सो इम्पॉर्टेंट यार टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ. हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो स्टीम ले रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ. इट अफेक्ट्स यू सो मच जब आप लोग बाहर के लोगों से नहीं मिलते हो, बाहर नहीं जाते हो. इट्स ऑल बिल्ड अप हेयर. तो टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू एनीबडी अराउंड यू, टॉक टू योर इन योर फोन टू योर फैमिली. कि जब तक आप बात नहीं करोगे वो दिल में सिर्फ जमा रहेगा. तो कल से वही कर रही हूँ मैं, सबसे बात कर रही हूँ. सुबह भी आया, सुबह फैमिली वैमिली सबसे बात किया. बात करके अच्छा लगता है, जैसे मन का बोझ उतर जाता है, थोड़ा ऐसा फील होता है. आई नो ये ब्लॉग ज़्यादा कुछ खास नहीं था और थोड़ा यू नो मेरा काइंड ऑफ रैंड ब्लॉग था. होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा और हैप्पी ब्लॉग लेके आऊँगी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेके आऊँगी. बट आज के लिए गाइस इतना ही. मिलूंगी आपसे फिर से एक नई ब्लॉग में. एंटर द नेक्स्ट टाइम. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय.